अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू ज़फ़रशांस गाइड। आज हम बना रहे हैं टी कोस्टर्स। तो ये है मेरे टी कोस्टर्स और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं ये तीन, आप देख सकते हैं ये सीमेंट के बने हुए हैं, वाइट सीमेंट के, बट इसके बीच में जो है ये होल्स हैं। और अब मैं ये इसके जो होल्स हैं उसको फिल कर दूँगी इससे, इसको जो है वो इसके अंदर डाल के वाइट सीमेंट से फिल कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर मैं कुछ अपना कलर वगैरह कर सकूँ। तो इस तरीके से मैं अपने सारे होल्स को जो है वो फिल कर लूँगी। मैं भी फिल कर लूँगी अपने मम्मा के साथ। इसके बाद मैंने सबसे पहले जो है वो सीमेंट के जो है वो कोस्टर्स के ऊपर एक कोट कर दिया जैसो का। जैसो का कोट करने से होता ये है कि आप कुछ भी इसके ऊपर ड्रॉ करें तो एक आपको बहुत अच्छी बेस मिल जाती है, एक स्मूथ लेयर मिल जाती है, जो कि डायरेक्ट आप अगर करें तो वो वाली बात नहीं आती। जैसे को इस तरीके से अप्लाई करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि इस पर ब्रश के थोड़े से जो है वो निशान आए हुए हैं। तो मैंने एक अपनी फिंगर से पानी में डिप करके और हल्का सा पानी से इसको ऊपर से हल्का सा रब कर लिया वाटर के साथ। अब आप देख रहे होंगे कि इसकी वो वाली जो है वो स्मूथनेस है बहुत ज़्यादा और ये बहुत अच्छा सा जो है वो एक बेस बन गई है। और अब हम इस पर आराम से अपनी पेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो लेमन बनाना था, तो उसके लिए जो है वो मैंने ब्रश से जो है वो लेमन का ड्राइंग करना शुरू कर दी और इसको एक के बाद एक मैं इस तरीके से ट्रायंगल शेप बनाती गई। यहाँ पे जो मैंने ब्रश यूज़ किया है वो है नंबर 5। आप चाहें तो नंबर 2 ब्रश से भी कर सकते हैं। जितने बारीक ब्रश होगा उतना ही अच्छा जो है वो ये इसका शेप बन सके। हाँ, जब मैंने येलो कंप्लीट कर दिया तो थोड़ा सा जो है वो मैस हो गया था आपस में, तो वो प्रोमिनेंटली इस वक्त दिख सकता है। लेकिन इसका जो है वो भी कॉर्नर्स को, क्योंकि मुझे लेमन बिल्कुल बनाना है, तो इसके कॉर्नर्स को येलो करने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी जो वाइट है जगह वहाँ पर, वाइट एक्रेलिक कलर, जिससे जो है वो इसके जो ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। वहाँ पे मैंने जो है वो वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ किया है और ये देखें कि मैं जैसे जैसे ये एक्रेलिक कलर को ट्रायंगल्स के बीच में लाइन इसकी बनाती जा रही हूँ, ये कितना ज़्यादा इसमें फिनिशिंग आ रही है और इसके ट्रायंगल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी लग रहे हैं। तो ये जहाँ पर भी आपको वाइट वाइट पेंट दिख रहा है, इस पूरे पर मैंने जो है वो एक्रेलिक कलर कर दिया और इस तरीके से मैं अपना पूरा लेमन एक्रेलिक कलर करके इसको पेंट कर दूँगी। मैंने वाइट कलर लेकर और इसके जो है वो बॉटम की तरफ से जो है वो इस तरीके से शेड एक दिया है ताकि जो है वो ये लेमन का लुक दे। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट टी कोस्टर जो है वो रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। इन टी कोस्टर के लिए जो है वो मैंने जो डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर वाटरमेलन बनाऊं, तो वाटरमेलन के लुक के लिए मैंने इस पूरे कॉर्नर्स को सबसे पहले ग्रीन कर दिया और बीच में मैंने इसके ऊपर किया रेड एक्रेलिक पेंट। आज से मैंने जो है वो परमानेंट मार्कर लेकर इसके जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं वो बना दिए, जिससे इसका लुक वाटरमेलन का आ जाए। लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और वाइट को मिलाकर जो है वो मैंने कीवी का कलर रेडी किया। सबसे कॉर्नर में मैंने इसको ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन दिया और इसके कॉर्नर्स बनाए और बीच में जो है वो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी क्योंकि मुझे एग्जैक्टली कीवी का कलर जो है वो बनाना नहीं आ रहा था। बहरहाल जैसे तैसे करके मैंने कीवी को रेडी किया। यहाँ पे सेंटर में मैंने वाइट पेंट लिया है एक्रेलिक कलर और उसको जो है वो चारों तरफ जो है वो फैला दिया जिससे कि ये कीवी का लुक दे। इसी तरीके से मैंने डार्क ग्रीन कलर ले लिया और उसकी इस तरीके से जो है वो लाइंस बना दी। यहाँ पे मैंने यूज़ किया ब्लैक पॉइंटर, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये यूज़ करना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं था। आप लोग यूज़ कीजिएगा यहाँ पे ब्लैक परमानेंट मार्कर या फिर ब्लैक एक्रेलिक कलर। लास्ट में मैंने इसको शाइनी और क्लियर लुक देने के लिए इसके ऊपर जो है वो वार्निश अप्लाई कर दिया। तो अब आप देखें कि इसको वार्निश अप्लाई करने के बाद कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है और कितना ज़्यादा ये अच्छा लुक दे रहा है। ये है लेमन टी कोस्टर और इसके बाद यहाँ पर जो है वो कीवी। और जो कीवी में मैंने आपको बताया था कि मैंने गलती कर दी, आप लोग ब्लैक पॉइंटर यूज़ नहीं कीजिएगा, वो आप देख रहे होंगे कि ये जब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ वार्निश, तो इसका जितना भी मैंने ब्लैक पॉइंटर
से इसके जो ब्लैक ब्लैक इसके सीड्स बनाए थे वो सारे यहाँ से जो है वो गायब हो चुके हैं। वार्निश अप्लाई करने से होता ये है कि आपका एक तो जो भी आर्टवर्क है वो सेव हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।